हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश एफएल सब्जेक्ट। और मैं यहाँ पर आपको कंपैरिजन बताती हूँ। आप लोगों ने अमुक लिखे हैं, बराबर लिखा नहीं है, जो मैंने एग्जाम में दिया था फोटो के साथ जो दी है एक्सरसाइज, वो समझ में नहीं है, अमुक लोगों ने नहीं किया है बराबर। तो फिर से मैं एक वंस अगेन आपको बता रही हूँ। यहाँ बताया, देखिए टोल बताया है, ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं ऊंचाई में, ये थोड़ा उससे ज्यादा है और ये सबसे ज्यादा ऊंचा है। तो हम क्या लिखेंगे ये दोनों को कि भाई जे एंड राज क्या है, दोनों एक जैसे हैं। तो राज इज एज टॉल एज जे, जो राज है वो टॉल, वो क्या है, जे के जितना ही ऊंचा है। तो राज इज एज टॉल एज जे, बट क्या है, अब यहाँ पर नितिन है, तो नितिन क्या है, इज टॉलर देन जे एंड राज। देखिए जो नितिन है वो दोनों से जरा ज्यादा ऊंचा है, तो नितिन इज टॉलर देन जे और राज। एंड देन अमर जो है यहाँ पर, ये सबसे ज्यादा है, ऊंचा है, तो अमर इज द टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा है, तो हम लिखेंगे द टॉलेस्ट। तो इसे क्या कहते हैं, कंपैरिजन करना, सरखामणी करना। तो ये है चैप्टर, में आपको चैप्टर तो नहीं है बट क्या है, एक ग्रामर जैसा ही है, मैं उसे आपको समझा रही हूँ। जे एंड राज, तो राज इज एज टॉल एज क्या है, जे, बट क्या है, नितिन इज टॉलर देन जे एंड राज, ये जो है इनसे ज्यादा ऊंचा है। और जो अमर है वो तीनों से सबसे ऊंचा है, तो ऊंचाई क्या है, इसकी हाइट ज्यादा है, तो अमर इज द टॉलेस्ट। तो क्या बोलेंगे, अमर इज द टॉलेस्ट। अब यहाँ फैट पर है, देखिए दोनों एक जैसी है बॉडी में है, फैट है, ये थोड़ी सी ज्यादा फैट है और ये सबसे ज्यादा फैट है। तो नंबर वन में पहले हम क्या लिखेंगे, टीना इज एज फैट एज रीटा। ये टीना है, ये दोनों एक जैसी है बॉडी में, इतनी ही जाड़ी है, तो टीना इज एज फैट एज रीटा। अब जो राधा है, ये दोनों से ज्यादा है फैट है, तो हम लिखेंगे राधा इज फैटर देन, ये दोनों से ज्यादा ऊंची है, ये फैट है ज्यादा है, तो उसकी बॉडी ज्यादा है, तो फैटर देन लिखेंगे, तो राधा इज फैटर देन टीना और रीटा, है ना। अब ये देखिए ये लता है, वो सबसे बॉडी में ज्यादा है, फैटेस्ट है, तो हम लिखेंगे लता इज द फैटेस्ट, लता इज द फैटेस्ट। तो इस तरह हम लिखेंगे, टीना इज एज फैट एज रीटा, राधा इज फैटर देन, क्या लगाएंगे, फैटर देन टीना रीटा, एंड लता इज द फैटेस्ट। अब लता जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा बॉडी में मोटी है, तो राधा क्या है, लता इज द फैटेस्ट, क्या लिखेंगे, लता इज द फैटेस्ट। अब यहाँ नंबर थ्री में है थीन पतले, देखिए थीन पतले हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, अली इज एज थीन एज विपुल, अली जो है विपुल जैसा ही पतला है, तो अली इज एज थीन एज विपुल। लेकिन ये अजय है वो उनसे भी पतला है, तो अजय इज थिनर देन क्या है, थिन अली और अली एंड विपुल, जो अजय है वो क्या है, दोनों से ज्यादा ही थोड़ा पतला है। अब इधर देखिए केतन जो है वो क्या है, सबसे पतला है, तो यहाँ लिखेंगे केतन इज द थिनेस्ट, यानी अली इज एज थिन एज विपुल, अजय इज थिनर देन अली एंड विपुल, बट केतन इज द थिनेस्ट, जो केतन है वो सबसे ज्यादा ही क्या है, थिनेस्ट है, यानी पतला है। तो ये क्या कहते हैं, इसे हम कंपैरिजन कहते हैं, हम कंपेयर करना कंपेयर करते हैं, तो हमें आना चाहिए ऐसे बताते कि भाई कितना कौन कितना है। तो यहाँ फोर पिक्चर बताई गई है, तो हमें दो की कंपैरिजन एक साथ हो रही है, ये उससे पतला है और ये सबसे केतन सबसे थिनेस्ट है, तो लिखेंगे द थिनेस्ट। अब एग्जांपल्स बताए, यहाँ कॉस्टली पर बताया है, तो माय शर्ट इज एज कॉस्टली एज, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे एज कॉस्टली एज योर शर्ट, मेरा शर्ट तुम्हारे जितना ही क्या है, कॉस्टली है, महंगा है, पर क्या है, मोहन्स
शर्ट इज कॉस्टलियर देन, कॉस्टली वाई निकाल के आई ईयर लगा देंगे तो बनेगा कॉस्टलियर देन जेज शर्ट। जो मोहन का शर्ट है वो क्या है, कॉस्टलियर देन जेस शर्ट। अच्छा, देव शर्ट इज द कॉस्टलियस्ट। अब जो देव है उसका शर्ट जो है वो सबसे महंगा है, तो क्या है, मोहन का शर्ट हैगा वो जे के शर्ट से थोड़ा क्या है, महंगा है। बट जो देव का शर्ट है वो सबसे ज्यादा महंगा है, तो हम लिखेंगे देव शर्ट इज द कॉस्टलियस्ट। ईएसट लगा देंगे जो लास्ट में जो सबसे ज्यादा होता है, और जो बीच का होता है कॉस्टलियर, और यहाँ लगाएंगे आई ई एस टी कॉस्टलियस्ट। नंबर वन है ओल्ड, रोहन इज एज ओल्ड एज जे। अब यहाँ देखिए ओल्ड पर बनाएंगे हम, तो रोहन इज एज टॉल एज अजय। केतन इज क्या है, ओल्डर देन, यहाँ क्या आएगा ओल्डर देन, यह आएगा ओल्डर देन रोहन। केतन इज क्या है, ओल्डर देन रोहन। और पूजा इज द ओल्डेस्ट, पूजा इज द ओल्डेस्ट। अब नंबर टू है वीक, लता इज एज वीक एज क्या है, गीता। लता जो है वो गीता जितनी ही कमजोर है। नीता इज वीकर देन गीता, नीता जो है उससे ज्यादा कमजोर है, तो वीकर देन गीता। अच्छा, माया जो है वो सबसे ज्यादा ही वीकेस्ट है, कमजोर है, तो माया इज द वीकेस्ट, क्या लगाएंगे द वीकेस्ट। इसी तरह है हैप्पी है, तो देव इज एज हैप्पी एज लगाएंगे, एज हैप्पी एज तारा। सोनल इज हैप्पियर, क्या बन जाएगा, हैप्पियर देन देव, सोनल इज हैप्पियर देन देव। किरण इज द हैप्पीएस्ट, आई एस टी लगाएंगे यहाँ, तो किरण इज द हैप्पीएस्ट। फोन नंबर है हॉट, तो माई टी इज, मेरी चाय क्या है, हैज एज हॉट एज योर टी, तुम्हारे चाय जितनी ही गर्म है। नितिन्स टी इज हॉटर देन माई टी, पर नितिन की जो चाय है उससे ज्यादा है गर्म है, हॉटर देन माई टी। विनेज टी इज दी हॉटेस्ट, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, दी डबल टी लगा के ई एस टी लगाएंगे, तो दी हॉटेस्ट। और यहाँ हॉटर में डबल टी लगा के ई आर लगाएंगे, और ई आर लगाएंगे तो धेन लगेंगे, लेकिन दी हॉटेस्ट लास्ट में आएगा ई एस टी द हॉटेस्ट। फाइव नंबर फास्ट, एन ऑटो रिक्शो इज एज फास्ट एज अ स्कूटर, एन ऑटो रिक्शो इज एज फास्ट एज अ स्कूटर। ऑटो रिक्शो जो है वो क्या है, एज फास्ट की जितनी ही स्कूटर जितनी ही फास्ट है, अ कार जो कार है इज फास्टर, कार क्या है जो स्कूटर से भी ज्यादा फास्ट चलती है, तो अ कार इज फास्टर देन अ स्कूटर। अच्छा, उससे ज्यादा कौन है फास्टेस्ट, एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट, एन एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट। अब नंबर इसी तरह नंबर है सिक्स पर है बिग, बिग से बनाना है हमें, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अ स्क्विरल इज एज बिग एज अ माउस। जो किसको गिलहरी होती है, खिसकोली होती है, किसके जैसी होती है बड़ी, जो माउस होता है उसकी जितनी ही बड़ी होती है। अस्क्यूरल इज एज बिग एज अ माउस, पर क्या होता है, अ कैट, अ कैट इज बिगर देन अ माउस, जो कैट होती है माउस से बड़ी होती है थोड़ी, तो अ कैट इज बिगर देन अ माउस। पर अपने जब एलिफेंट की बात करेंगे तो द एलिफेंट इज द बिगेस्ट, क्या लिखेंगे, द एनिमल इज द बिगेस्ट।
इसी तरह नंबर 7 में लिखा हुआ हैवी, वजनदार. माय बैग इज एज हैवी एज योर बैग. मेरा जो बैग है तुम्हारे बैग जितना ही वजनदार है. पर यहाँ पर लिखा हुआ है रीमाज बैग इज हैवियर देन. तो क्या है, वाई निकल के ईयर लगाएंगे तो हैवियर देन माय बैग. बट शीतल्स बैग इज द हैवीएस्ट. शीतल्स बैग इज द हैवीएस्ट. यहाँ लगाएंगे वाई निकल के आई एस टी हैवीएस्ट. तो एज हैवी एज हैवियर देन द हैवीएस्ट. नाउ क्लीन सिक एट नंबर क्लीन है, क्लीन पर बनाना है हमें. तो यहाँ है राम्स रूम इज एज क्लीन एज माय रूम. क्या है, राम्स रूम इज एज क्लीन एज माय रूम. पर क्या है, हर्ष रूम जो हर्ष का है रूम इज क्लीनर देन क्या है राम्स रूम. नीताज रूम इज द क्लीनेस्ट. क्या आएगा, क्लीनेस्ट. एज क्लीन एज क्लीनर देन द क्लीनेस्ट. अब यहाँ दिया हुआ है फॉर्म सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स. अब एग्जांपल है यहाँ पर, वन नंबर है द एंट आंट है और यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल. तो हमें अब सेंटेंस बनाना है. तो द आंट इज द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट्स. क्या बनाना है, जैसा द आंट इज द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट्स. टू नंबर है अ कार लिखा हुआ है, अ बाइसिकल है और फास्ट लिखा हुआ है. तो हमें यूज करना है अ कार इज फास्टर देन अ बाइसिकल. क्या बनेगा, अ कार इज फास्टर देन अ बाइसिकल. तो ये हमें क्या है, जैसे बताया गया है इसकी जो कंपेयर करा गया है कार और बाइसिकल का कंपैरिजन यहाँ है. तो यहाँ फास्ट लिया हुआ है बट हमें क्या यूज करना है, तो अकार क्या है, कार ज्यादा होती फास्टर देने, तो अकार इज फास्टर देन अ बाइसिकल. अब हमें बनाना है. नंबर वन है अ कोकोनट ट्री लिखा हुआ है और अ मैंगो ट्री लिखा हुआ है और ये वर्ब दिया हुआ है टॉल. तो अ कोकोनट ट्री इज टॉलर देन अ मैंगो ट्री. क्या बनाएंगे, अ कोकोनट ट्री इज टॉलर देन अ मैंगो ट्री. यानी जो कोकोनट ट्री होता है वो मैंगो ट्री से भी ऊंचा होता है. तो अ कोकोनट ट्री इज टॉलर देन अ मैंगो ट्री. अब यहाँ लिखा हुआ है द एलिफेंट और क्या लिखा हुआ है इसका, क्या है एडजेक्टिव बिग लिखा हुआ है. तो हम लिखेंगे द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल. अभी सबसे बड़ा है तो यहाँ बनेगा बिगेस्ट. द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल. नंबर थ्री है अ बुक लिखा हुआ है और अ पेन है और लिखा हुआ हैवी. तो लिखेंगे अ बुक इज हैवियर देन. जो पेन जो बुक होती है वो पेन से वजन ज्यादा वजनदार होती है. तो अ बुक इज हैवियर देन अ पेन. अ बुक इज हैवियर देन अ पेन. नंबर फोर द स्विफ्ट अ बर्ड फास्ट. क्या लिखा हुआ है, द स्विफ्ट अ बर्ड फास्ट. हम बनाएंगे द स्विफ्ट इज द फास्टेस्ट बर्ड. द स्विफ्ट इज द फास्टेस्ट बर्ड. नंबर फाइव है अ बनाना प्लांट अ तुलसी प्लांट एंड शॉर्ट लिखा हुआ है. उस पे से हमें कंपेयर करना है अ तुलसी प्लांट इज शॉर्टर देन अ बनाना प्लांट. अ तुलसी प्लांट इज शॉर्टर देन अ बनाना प्लांट. क्या लेंगे, शॉर्टर है जो तुलसी छोटा होता है बनाना ट्री से प्लांट से. तो द अ तुलसी प्लांट
is shorter than a banana plant. नंबर सिक्स है, अ पेन दिया हुआ है और अ पेंसिल दी है और ये लाइट। अब देखिए पेन और पेंसिल कौन हल्का होता है, तो ये है अ पेंसिल। अ पेंसिल इज लाइटर देन, क्या है अ पेंसिल जो है वो क्या है, हल्की होती है पेन से। तो हम लिखेंगे पेंसिल इज लाइटर, लाइटर है ना, हल्की होती है देन अ पेन, पेन से हल्की होती है। तो अ पेन है और अ पेंसिल है और हमें लाइट यूज करना है। वर्ब है, वर्ब है एडजेक्टिव है। तो पेंसिल इज लाइटर देन अ पेन, क्या है पेंसिल, पेन से हल्की होती है, ज्यादा हल्की होती है। नंबर सेवन है अ चॉकलेट, और आइसक्रीम दी है और लिखा हुआ है चीप, चीप यानी सस्ती। अब देखिए चॉकलेट जो है वो आइसक्रीम से सस्ती होती है, तो हम क्या लिखेंगे, अ चॉकलेट इज चीपर देन, ये क्या है, चीपर देन अ एन आइसक्रीम। अब जो चॉकलेट होती है थोड़ी सस्ती होती है आइसक्रीम के जो कंपेयर में, सस्ती रुपए की भी मिलती है, बट आइसक्रीम एक रुपए की नहीं मिलेगी, वो क्या है थोड़ी सी महंगी मिलेगी। तो अपने को चीपर कौन मिलेगा, ज्यादा चीप में चॉकलेट, चॉकलेट इज चीपर देन एन आइसक्रीम, क्या लिखेंगे, चॉकलेट इज चीपर देन एन आइसक्रीम। नंबर एट द जीराफ, और यहाँ लिखा हुआ है टॉल। अब क्या होते हैं द जीराफ, अपने कैसे बनाएंगे इसको, द जीराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल, जो टॉल है ऊंचा है एनिमल है, तो जब सबसे ऊंचा है तो द जीराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल। यहाँ पर क्या लेंगे, अभी आपको आता नहीं है, अभी बताया जाएगा। पॉजिटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव कहलाती है एज वाला, और देन वाला वो होता है वो कंपेरेटिव होता है, और धी लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है, सुपरलेटिव। बट अभी आपको इतना ही नहीं, अपने इतना ही सीखना है जैसे मैंने बताया है, आगे जाके आप सब सीखोगे। तो अब आईसी यहाँ पर लिखा हुआ है जिराफ है, तो द जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल। नंबर नाइन अ बाइसिकल, अ बुल्लॉक कार्ट, और लिखा हुआ है स्लो। नाइन नंबर अ बाइसिकल है, अ बुल्लॉक कार्ट लिखा हुआ है और स्लो है, दो क्या है, हम लिखेंगे अ बुल्लॉक कार्ट जो होती है वो बाइसिकल से ज्यादा स्लोवर होती है, धीरे धीरे चलती है, तो हम क्या लिखेंगे, स्लोवर देन। तो नंबर नाइन अ बाइसिकल और अ बुल्लॉक कार्ट लिखा हुआ है, तो अ बुल्लॉक कार्ट इज स्लोवर, क्या बोलेंगे, अ बुल्लॉक कार्ट इज स्लोवर देन अ बाइसिकल, अ बुल्लॉक कार्ट इज स्लोवर देन अ बाइसिकल, क्या बोलेंगे, अ बुल्लॉक कार्ट जो है वो स्लोवर, उससे ज्यादा स्लोवर होता है बाइसिकल से भी, तो अ बुल्लॉक कार्ट इज स्लोवर देन अ बाइसिकल। नंबर टेन है एप्पल्स, और लिखा हुआ है पोटेटोज। अब कॉस्टली महंगा कौन होता है, तो होता है एप्पल, है ना, और पोटेटोज होते हैं थोड़े सस्ते होते हैं एप्पल से, एप्पल ज्यादा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, तो हम क्या लिखेंगे, एप्पल्स आर कॉस्टलियर देन पोटेटोज, जो एप्पल होते हैं वो पोटेटो से ज्यादा, थोड़े ज्यादा महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, लिखेंगे एप्पल्स आर कॉस्टलियर देन पोटेटोज, यानी क्या है, एप्पल जो है वो पोटेटो से थोड़े महंगे होते हैं। इस तरह अपने यूज करेंगे एप्पल्स और पोटेटोज को, और कॉस्टली लेंगे तो एप्पल्स आर कॉस्ट क्या आएगा, कॉस्टलियर देन पोटेटोज।
तो इस तरह हम क्या है, इसे मैंने बताया आपको, आई रीड वंस अगेन।